और चलिए अब बात करेंगे सर्दी की। तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। ठंड के साथ कोहरे ने भी कहर बरपा रखा है, जिसका असर ट्रेनों की आवाजाही पर देखा जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी सर्दी का सितम जारी है। राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में घना कोहरा छा गया और विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। प्रदेश में ग्वालियर सबसे ठंडा है, जहां तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कई शहरों में कोहरे के साथ बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं ग्वालियर के साथ साथ बात की जाए टीकमगढ़ की, खजुराहो की, तो यहां पर भी ये ठंडे जिले हैं। वहीं ग्वालियर, भिंड और रायसेन में बूंदाबांदी हुई है, जबकि शिवपुरी में तेज बारिश हो गई। तो मध्य प्रदेश में कई जगहों पर सर्दी का सितम जारी है और कई जगहों पर बारिश भी की भी संभावना है। तो कई जगहों पर बारिश भी हो रही। तो मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं ने सर्द की शाम जिस तरह से बढ़ाई है, उसे देखते हुए हालांकि विजिबिलिटी बेहद कम है और तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो ग्वालियर, भिंड और रायसेन यहां पर बूंदाबांदी हुई, जबकि शिवपुरी में तो तेज बारिश हो गई। तो हालात अब धीरे धीरे ठंड की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी ठंड लगातार बढ़ रही है। हालांकि लोगों से, बच्चों से, बुजुर्गों से ये अपील की जा रही है कि वो घर पर ही रहें और अपना ध्यान रखें। तो मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि आगामी दिनों तक इसी तरह से मौसम खुशनुमा बना रहेगा। तो ग्वालियर में पारा और लुढ़क गया है, तापमान में और कमी आई है। जावेद खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ग्वालियर से जुड़ गए हैं। जावेद, क्या स्थितियां, क्योंकि ग्वालियर की अगर हम बात करें तो अमूमन हर साल यही स्थितियां बनती हैं, ठंड इसी तरह से तेज होती है, लेकिन इस बार क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग और बारिश की क्या कुछ संभावना? बिल्कुल, ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो ग्वालियर में सबसे ज्यादा अभी 9 दिन से करीब सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। बीच बीच में थोड़ी झलक दिखाई है, लेकिन अभी भी मौसम साफ नहीं है और कोहरा लगातार छाया हुआ है। और कल तो करीब 5 घंटे तक बारिश हुई है। इस बारिश का असर ये हुआ है कि ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्रों में जो फसलें थी वो काफ़ी उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन मौसम विभाग के और कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जो अगर मावट के रूप में अगर बारिश होती है तो वो उसका असर एक फसल को एक अमृत के रूप में होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मौसम है बिल्कुल ठंडा है और बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही हैं। सीवियर कोल्ड डे मौसम विभाग ने घोषित किया है। आप देख सकते हैं जो ग्वालियर का थीम रोड है, जहाँ पर कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा खुला हुआ दिखाई दे रहा है और जो कोहरा है वो कम है। लेकिन फिर भी अब आज सैलानी जो हैं, जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते हैं, वो निकले हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जैसा कश्मीर जैसा माहौल या बन रहा है, लोग आए हुए हैं, सैलानी हैं, कुछ जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं नियमित रूप से, उनसे ही जानते हैं कि क्या मौसम है। दादा, किस तरह का मौसम चल रहा है अभी, आप लोग क्या फील कर रहे हो पिछले दिनों से? मौसम बहुत ठंडा है, इस समय घर से निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। कल तो निकले ही नहीं, पानी इतना बरस रहा था। मौसम काफ़ी ठीक नहीं है अभी इस समय निकलने का, फिर भी आते हैं, आदत में हमारी तो हम घूमने आते हैं सुबह। और भी लोग हैं यहाँ पर, आप लोग नियमित आते हो घूमने, कुछ असर पड़ रहा है आपकी दिनचर्या पर? हाँ जी, यहाँ रोज घूमने आता हूँ, लेकिन सेहत पे काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन और ठंड ज़्यादा होने से एक आध दो दिन गैप भी हो जाता है, लेकिन प्रतिदिन आते हैं हम लोग घूमने। इसमें जो मौसम है उसका असर देखने को मिल रहा है और जो लोग हैं अभी भी यहाँ पर, जो गाड़ियाँ निकल रही हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर, वो अपनी हेडलाइट जलाने के बाद ही यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि कोहरा भी पूरी तरीके से दिन खुला नहीं है। लेकिन जो शीतलहर और दिन में जो तापमान है मौसम विभाग के अनुसार, जो अभी अधिकतम तापमान भी यहाँ ग्वालियर का 14.2 डिग्री है, यानी कि जो रात का तापमान होता है उससे ज़्यादा दिन का तापमान भी हो रहा है, और जिसकी वजह से दिन भर ठंड जैसे माहौल और कोल्ड और सीवियर डे जैसे माहौल बने हुए हैं। और जो बारिश हुई है उसका भी असर हुआ है, और बारिश की वजह से ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो आसपास के निर्माण और विकास कार्य हैं उसका भी असर हुआ है, क्योंकि जो पानी लगातार 5 घंटे तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो LIC चौराहे पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बारिश का असर फसलों पर पड़ रहा है, आम जनजीवन पर पड़ रहा है, और जो स्कूल कॉलेज हैं उसमें भी एक छात्र छात्राओं पर असर पड़ रहा है। और जो जिला प्रशासन ने यहाँ पर जो अब साफ तौर पर एक आदेश भी जारी कर रखा है, जिसमें सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच ही स्कूल संचालित हो सकेंगे, वो प्राइवेट और सरकारी स्कूल सभी पर लागू है, CBSE MP बोर्ड के स्कूलों पर भी लागू है। तो जो स्कूल के बच्चों को साफ तौर पर कहा गया है कि 10 बजे से पहले कोई भी स्कूल यहाँ पर संचालित नहीं होगा। लेकिन असर है, और लोग जो कम तादाद में यहाँ पर घूमने के लिए निकल रहे हैं, और जो थीम रोड का आप माहौल देख ही सकते हैं यहाँ पर, जो
तो बिल्कुल जावेद हमें बता रहे हैं, हालांकि जो लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहते हैं और जो मॉर्निंग वॉक करते हैं वो तो अमूमन रोज ही निकल रहे हैं, लेकिन तापमान जरूर धीरे धीरे कम हो रहा है, विजिबिलिटी भी बेहद कम है। शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए। हालांकि स्कूल भी जो है वो बच्चों की 10 बजे के बाद से ही लग रहा है। तो मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम और वहीं ग्वालियर में पारा लुढ़क गया।